सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ बातचीत कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण उस समय कर्ण की उदारता एवं महानता की बार बार प्रशंसा करते थे। यह बात अर्जुन को अच्छी न लगी। तब अर्जुन बोले, श्याम सुंदर, हमारे बड़े भाई धर्मराज जी से बढ़कर उदार तो कोई है ही नहीं, फिर आप उनके सामने कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, यह बात मैं तुम्हें फिर कभी समझा दूंगा। कुछ दिनों पीछे अर्जुन को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के राजभवन के दरवाजे पर ब्राह्मण का वेश बनाकर पहुंचे। उन्होंने धर्मराज से कहा, हमको एक मन चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए, आप कृपा करके मंगा दें। उस दिन बहुत ही तेज और जोर की वर्षा हो रही थी। कहीं से भी लकड़ी लाने पर वह अवश्य भीग जाती। महाराज युधिष्ठिर ने नगर में अपने सेवक भेजे, किंतु संयोग की बात ऐसी कि कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ी शेर आधा शेर से अधिक नहीं मिली। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आज सूखा चंदन मिल नहीं रहा है, आप लोग कोई और वस्तु चाहे तो तुरंत दी जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सूखा चंदन नहीं मिलता तो न सही, हमें कुछ और नहीं चाहिए। वहां से अर्जुन को साथ लिए उसी ब्राह्मण के भेष में भगवान श्री कृष्ण कर्ण के यहां पहुंचे। कर्ण ने बड़ी श्रद्धा से उनका स्वागत किया।
भगवान ने कहा, हमें इसी समय एक मन सूखी लकड़ी चाहिए। कर्ण ने दोनों ब्राह्मणों को आसन पर बैठाकर उनकी पूजा की, फिर धनुष चढ़ाकर उन्होंने बाण उठाया। बाण मार मार कर कर्ण अपने सुंदर महल के मूल्यवान किवाड़, चौखटे, पलंग आदि तोड़ डाले और लकड़ियों का ढेर लगा दिया। सब लकड़ियां चंदन की थी। यह देखकर भगवान ने कर्ण से कहा, तुमने सूखी लकड़ियों के लिए इतनी मूल्यवान वस्तुएं क्यों नष्ट की? कर्ण हाथ जोड़कर बोले, इस समय वर्षा हो रही है, बाहर से लकड़ी मंगाने में देर होगी, आप लोगों को रुकना पड़ेगा, लकड़ी भीग भी जाएगी, ये सब वस्तुएं तो फिर बन जाएंगी, किंतु मेरे यहाँ आए अतिथि को निराश होना पड़े या कष्ट हो तो वह दुख मेरे हृदय से कभी दूर नहीं होगा। भगवान ने कर्ण को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया और वहां से अर्जुन के साथ लौट आए। लौट कर भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो, धर्मराज युधिष्ठिर के भवन के द्वार चौखटे भी चंदन की हैं, चंदन की दूसरी वस्तुएं भी राजभवन में हैं, लेकिन चंदन मांगने पर भी उन वस्तुओं को देने की याद धर्मराज को नहीं आई और सूखी लकड़ी मांगने पर भी कर्ण ने अपने घर के मूल्यवान वस्तुएं तोड़कर लकड़ी दे दी। कर्ण स्वभाव से उदार है और धर्मराज युधिष्ठिर विचार करके धर्म पर स्थिर रहते हैं। मैं इसी से कर्ण की प्रशंसा करता हूं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परोपकार, उदारता, त्याग तथा अच्छे कर्म करने का स्वभाव बना लेना चाहिए। जो लोग नित्य अच्छे कर्म नहीं करते और सोचते रहते हैं कि कोई बड़ा अवसर आने पर वे महान त्याग या उपकार करेंगे, उनको ऑफर आने पर यह बात सूझती ही नहीं कि वह महान त्याग किया कैसे या जो छोटे छोटे अवसरों पर भी त्याग तथा उपकार करने का स्वभाव बना लेता है, वही महान कार्य करने में भी सफल होता है। तो ये रहा उदारता की बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया कि कौन युधिष्ठिर दान में अच्छे हैं या फिर कर्ण।
तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।